स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ एप्पल हलवा। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बहुत ही इजी है, साथ में बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना इजी भी है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आज एप्पल हलवा कैसे बनाते हैं। तो बिल्कुल इजी रेसिपी है, मैं आपको इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने से पहले मैं आपको एक बार और बता दूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके। तो मैं अपने चैनल पर आयुर्वेदिक वीडियोस भी डालती हूँ, तो इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आगे आपको मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस डालकर दिखाऊंगी, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो एप्पल हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 3 एप्पल, मीडियम साइज़ के से भी थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं, तो मैंने 3 एप्पल लिए हैं। और इसे हम बिल्कुल भी इसका छिलका नहीं निकालेंगे, ऐसे ही इसे ग्रेट कर लेंगे। तो इसे मैं साइड में रख लूँगी। तो इन्ग्रीडियंट्स मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कैशू लिया है, और 4 इलायची, और थोड़ा सा मतलब 1 टीस्पून से भी ज़्यादा घी, या फिर 2 टीस्पून घी कह सकते हो आप। और 100 ग्राम शुगर लिया है, और यह है 100 ग्राम खोया, तो खोया कंपलसरी लगता है। और देखिए, मैंने एप्पल को ग्रेट कर लिया है और मैंने छिलका बिल्कुल भी नहीं हटाया है, तो छिलके को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैंने गैस पर तवा रख लिया है, और इसे हम फ्राई करेंगे यानी रोस्ट करेंगे। तो इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर हम हल्के हल्के इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है हमें। इसे मैंने आधा रोस्ट किया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी खोए को, ताकि खोए भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, ताकि और मेल्ट भी हो जाए अच्छी तरह से, और खोया का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से आ जाएगा। तो इन सब खोए को इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें और भी रोस्ट करना है। तो देखिए, खोया इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो खोया कंपलसरी डालिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर खोया नहीं डालना चाहते, खोया आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप मिल्क लीजिए और मिल्क को अच्छी तरह से बॉईल कीजिए। 70% जब मिल्क बचेगा तो उसे आप इसमें यूज़ कर सकते हो, मतलब इसके लिए 1/2 लीटर मिल्क बहुत हो जाएगा। तो देखिए, अभी ये अच्छी तरह से रोस्ट हो रही है, कम से कम हमें 7-8 मिनट तो इसे अच्छे तरह से रोस्ट करना है पहले। तो देखिए, एप्पल अच्छी तरह से रोस्ट भी हो चुका है, और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है ये। तो देखिए, तवा छोड़ने लगा है हलवा, तो देखिए ये हलवा अभी ये अच्छी तरह से रोस्ट होके तैयार है। तो अभी हम इसमें डालेंगे शुगर। तो फ्रेंड्स, एप्पल तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, आप सबको पता ही है। और साथ में अगर कोई गेस्ट आए तो आप इसमें इस तरह का हलवा बना के खिलाइए, बहुत ही खुश हो जाएंगे। और आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हो, 4-5 दिन खा भी सकते हो। तो देखिए, एप्पल हलवा बनकर तैयार हो गया है, तो मैंने इसमें शुगर डाल दिया था। तो आपको यह हलवा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।